अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं आपको आलू वाले नान बनाना सिखाऊंगी, और अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं और घर पर नान बनाना चाहते हैं तो वीडियो को गौर से देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम नान की डो प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम लिए एक कप मैदा, 3/4 टेबल स्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, हसबे ज़ायका नमक है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जाएगा हमारा 3 चम्मच दही। हम बारी बारी करके 3 चम्मच दही डाल रहे हैं यहाँ पे। दही को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मक्खन से बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट टेक्सचर आता है हमारे नान का। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने आटे को नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पानी डालना है। हमने डो को ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखना है ना ही सख्त, हमने बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर रखना है ताकि हमारे नान बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट बने। तो देख सकते हैं हमारी डो यहाँ पे रेडी है। अब हम इसे 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। तो यहाँ हम डो की फिलिंग तैयार करने लगे हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले 1 कप उबले हुए आलू लिए, इनको हमने मैश कर लिया। फाइनली चॉप प्याज 1/2 कप, 1/2 कप हरा धनिया। इसके अलावा हमने इसमें हसबे ज़ायका नमक डाला। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला ज़ीरे का, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी डो यहाँ 15 मिनट्स के बाद रेडी है। हमने इनको 2 पेड़ों में डिवाइड कर लिया है, इससे हमारे 2 नान बनेंगे। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरह इसकी फिलिंग कर रही हूँ, देख सकते हैं। हम इसमें अपनी फिलिंग को डालेंगे। हमने इसको अंदर की तरफ पुश करना है, इस तरह हमारी फिलिंग बाहर नहीं आएगी। और हम किनारों को अच्छी तरह से सील कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से सील किया, और हमारे यहाँ पेड़े बन के रेडी हैं। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर धनिया लिया, और मैं हाथों की मदद से ही इसको प्रेस कर रही हूँ। हमने बेलन यूज़ नहीं करना, इससे क्या होगा कि हमारी फिलिंग बाहर आ सकती है। तो देख सकते हैं हमारे नान यहाँ पर बन के रेडी हैं। अब जब तक हमारा लोहे का तवा अच्छी तरह से गर्म होता है, हमने यहाँ पे नान को उल्टी साइड कर कर पानी लगाना है, जिससे क्या होगा ये तवे पर स्टिक हो जाएगा और हम अपना नान अच्छे से बना सकेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको पानी लगा लिया है, अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। और अब देख सकते हैं ये किस तरह इंस्टेंटली फूल रहा है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है। अब आप देखेंगे हम इसकी साइड तब्दील करेंगे और इसको इस तरह बनाएंगे, और ये हमारे नान बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे क्योंकि हमने इस पर पानी लगाया था। और अपने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, अगर आपका तवा अच्छा गर्म नहीं होगा तो आपके नान गिर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नान बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस बना था। मैं आपको इसकी उल्टी साइड करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं जला और ये बहुत ही टेस्टी बने थे, दिखने से ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।